बना रही हूँ और मैंने 5 किलो दूध की मैं खीर बनाऊंगी। उसके लिए ये चावल मैंने ये 1 चम्मच बड़ा वाला भर के लिया है। ये मैं इसको भिगो दूंगी चावलों को। ये चावल मैंने भिगो दिए हैं, कम से कम 1.5 घंटा मैं चावलों को भिगोऊंगी। ये दूध मैंने 5 किलो ले लिया है और सबसे पहले मैं पतीली में डाल के इसको गर्म कर लूंगी। इस तरीके से आपको इसको चमचा चलाते रहना है वरना ये नीचे से लगने लग जाएगा। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अब मैं इसमें 3 पाव चीनी शामिल करूंगी, 1 किलो से 1 पाव कम। ये 1 पाव का कप है, ये वाले मैं 3 कप इसमें शामिल कर दूंगी चीनी के। सही है, मैंने इसमें 3 पाव चीनी शामिल की है। ये 1 पाव का कप है, 3 कप ये वाले डाले हैं, 3 पाव इसमें चीनी गई है दूध में। 5 किलो दूध में मैंने इसमें 3 पाव चीनी डाली है। आप लोग चाहें तो 1 किलो भी डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से आप लोग चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये पिस्ते और बादाम जो है इसमें चले जाएंगे जो मैंने काटे थे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।